आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो गए। और भाई यहाँ घूमने के लिए आए और अंकल जी हमारे लिए लस्सी बना रहे हैं, लस्सी बन रही है और अंकल जी ने लस्सी बना दी थी भाई। और ये लो हमारे रंजीत भाई के लिए लस्सी और ये हमारे लिए लस्सी और भाई इसको पियेंगे और जाएंगे इस खंडर के अंदर और देखेंगे इस खंडर में। ठीक है, अंकल जी बोल रहे हैं यहाँ पर सनबर्न सब लिखा है एक पत्थर में कि कितना साल पुराना है ये किला। तो चलो भाई अब इस किले के अंदर जाके देखते हैं कितना पुराना है। अंकल जी बोल रहे हैं 150-150 साल पुराना है ये अंकल अंदर आ चुके हैं ये खंडर नजर आ रहा है हमको। ये देखिए थोड़ा सा अंकल जी बोल रहे थे 200-250 साल पुराना है ये किला। और यहाँ से एक ओ भाई कपड़े वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, कपड़े वगैरह यहाँ से टूटे हुए हैं यहाँ के। और ये नीचे हाल ये देखो ऐसा कुछ है। और यहाँ से भाई बहुत पुराना सा तो लग रहा है, अजीब सा लग रहा है हमको। ये देखो पीछे से वो चीप वगैरह कुछ लगी हुई है ऊपर से, मतलब छत वगैरह रहा होगा। और भाई चलो अब अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। भाई अंदर से ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस ऐसा ही खंडर। और रंजीत भाई भाई रंजीत भाई आगे आगे जा रहा है। और भाई ये ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा डरावना भी नहीं है। और साइड पर भाई यहाँ पर देखो गेट लगा हुआ है और साइड से कुछ नहीं है, कमरा है वो भी खुला हुआ है। और यहाँ से खिड़की बनी हुई है। और यहाँ की ये देखो पुराने वाले गेट भाई, बहुत पुराना गेट है। और ये ऊपर से बस खुला छत है। और ये खंडर यहाँ से गिरा होगा कुछ, मतलब ये चीज वगैरह गिरे हैं इसलिए शायद ये टूट गया है। और यहाँ से सीधा खुला हुआ मैदान है, खुला हुआ मैदान है। यहाँ पर झाड़ पेड़ वगैरह यहाँ पर उग चुके हैं। और यहाँ से ऊपर जाने ये भाई ये डॉगी भाई ये डॉगी यहाँ पर आकर सो रहा है। ये देखो भाई यहाँ पर ये डॉगी पता नहीं क्यों सो रहा है, इतना ज़्यादा वो क्या हो गया पता नहीं। मतलब डॉगी पास आते तो ऐसी हरकत चलता है। अच्छा ये देखिए भाई पता नहीं ये क्यों बैठा है यहाँ पर, उसको बैठे रहने देते हैं। और हम भाई ऊपर जाने का कुछ सिस्टम तो है नहीं शायद यार, यहाँ पर छिड्डी वगैरह बनी होगी शायद लेकिन हमको दिख नहीं रही है। अगर छिड्डी वगैरह होती तो हम यहाँ पर ऊपर जाते लेकिन यार कुछ है ही नहीं ऊपर जाने के लिए। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर, यहाँ पर खंडर वैसा ही है, बस यहाँ पर खंडर ऐसे ही है कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जाली वाली वगैरह लगी हुई है, बहुत पुराना है। वो अंकल जी बोल रहे थे ये क्या बोला था, 250-250 साल पुराना ये किला है। पता नहीं इस किले का नाम भी नहीं पता हमको। और अंकल जी बोल रहे थे यहाँ पर एक पत्थर मिलेगा वहाँ पर सब कुछ लिखा है, तो वो पत्थर तो दिखा नहीं हमको। तो यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड वगैरह भी है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा। और अंकल जी बोल रहे थे कि यहाँ पर पत्थर है लेकिन पत्थर तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर एक गेट भी है, चलो उस गेट के अंदर जा के देखते हैं। अरे भाई गेट नहीं है ये, भाई ये गेट नहीं है यार, गेट जैसा लगा दूर से देखने में, ये गेट नहीं है, गेट जैसा लग रहा था बस। यहाँ पर शायद बच्चे वगैरह आते रहते हैं कुछ भी लिखते रहते बस। पर भाई अगर एक भी कपड़ा गिर गया ना मेरे ऊपर, मतलब एक भी गिर गया तो मेरा कपड़ा फूट जाएगा। और भाई यहाँ से ऊपर का हाल देखो, बहुत डेंजर आ रहा है। और रात में तो इस यहाँ का नज़ारा बहुत ही डेंजर समझ में आ रहा होगा। और भाई बस इस किले में ज़्यादा तो कुछ है नहीं। और भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।